मेरा नाम है खलीफ रहमान, मेरी हाइट है 3.7 फीट एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। मैं इस कंडीशन के साथ पैदा हुआ था जिसे डॉर्फिज्म कहते हैं। डॉर्फिज्म में हाइट छोटी रह जाती है जिसकी वजह जेनेटिक डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन हो सकती है। 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर्स की हाइट से कम लोग डॉर्फ कंसिडर किए जाते हैं। ये सोसाइटी वर्टिकली चैलेंज लोगों को डिफरेंट ट्रीट करती है। हम चाहते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। बचपन से ही मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग तंग करते थे, आवाज़ें कसते थे, बुली करते थे। डिस्क्रिमिनेट करना वो तो एक आम सी बात थी, बल्कि शुरू में तो मुझे स्कूल में एडमिशन ही बहुत मुश्किल से मिला था। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है जिन्होंने गिव अप नहीं किया और मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर सका। उसके बाद मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और फिर मुझे दोस्त भी काफ़ी अच्छे मिले। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही। स्पेशली क्रिकेट तो मैंने बहुत खेली है। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ। मैंने फूजी फर्टिलाइजर्स कंपनी से अपनी इंटर्नशिप की। उसके बाद 3 साल टेलीनॉर में मैंने एज ए प्रोडक्ट ऑपरेशन ऑफिसर जॉब की और टेलीनॉर के बाद ब्रांड रेंज LLC में मैंने जॉब की और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। ओवरऑल पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है मैंने, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक जा रही है और भाई ने शादी भी कर ली है। डॉर्फ होने का एडवांटेज तो कोई नहीं है, पर नुकसान काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला मसला तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी होता है। असिस्टेंस मुझे हमेशा चाहिए होती है। ID कार्ड मेरे पास स्पेशल पर्सन का है लेकिन अभी तक मुझे उस पर कभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब मैं 4G फर्टिलाइजर्स में इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं मेट्रो में जाता था। मेट्रो में स्पेशल पर्सन के लिए एक मखसूस सीट होती है जिस पर मुझे कभी बैठने का मौका नहीं मिला और मुझे खड़े होकर ही जाना पड़ता था। पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, दरवाज़ा खोलना और बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है। वर्क स्पेस में अलबत्ता मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टेलीनॉर पाकिस्तान और फूजी फर्टिलाइजर में मैंने काम किया, वहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशल पर्सन के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। इस पर ज़ाहिर है गवर्नमेंट काम करेगी लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। यहाँ पे एक मैसेज मैं स्पेशल पर्सन को देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये सब चीज़ें तो होती हैं लेकिन आप अपने गोल पे फोकस रखें। अच्छा बुरा टाइम तो सब पे आता है लेकिन आपने साबित कदम रहना है। बाकी आप सबको भी चाहिए कि स्पेशल पर्सन को अपनी सोसाइटी का हिस्सा समझें, उनको सपोर्ट करें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। स्पेशल ट्रीटमेंट बेशक मत दें लेकिन बेसिक राइट्स और एजुकेशन पे हम सबका हक है। मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, स्पेशली द सिंगिंग। मेरे दोस्त मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इस पर और इसके अलावा कभी कभी मैं ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे खलीक और रहमान के नाम से पुकारें, तरह तरह के नाम ना रखें, जैसे कि बोने, छोटे, कोडू, ये लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, इससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं अपनी छोटी हाइट की वजह से क्राउड में स्टैंड आउट करता हूँ तो ऐसे में लोग तस्वीरें ले लेते हैं, बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। मेरी तो क्या, किसी आम इंसान की तस्वीर भी बिना इजाज़त लेना गलत बात है। इस प्लानट पर 7.6 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे में डॉर्फिज़म की भी 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं। ज़्यादातर लोगों को किसी की कंडीशन की पूरी नॉलेज नहीं होती।
द बॉटम लाइन इज़ एवरी लिटिल पर्सन इज़ यूनिक जस्ट लाइक एवरी वन एल्स।